जैसा कि फिल्म का टाइटल आप देख रहे हैं, इस टाइटल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म है। देखिए अभी कहानी नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी तो अभी मैं नहीं बता सकता ना। मैंने कहा ना, राजनीति पर आधारित ये फिल्म है, जैसा कि आप इसके टाइटल से देख सकते हैं। देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि विवाद होगा या नहीं होगा। पहले फिल्म बनने दीजिए, फिर सोचें कि विवाद होने लायक फिल्म है या नहीं है। क्या कास्टिंग क्या है सर? देखिए कास्टिंग अभी हमारी बातचीत चल रही है लोगों से, और डेफिनेटली मार्केट के लोग ही होंगे। मैं नाम इसलिए रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक किसी का फाइनल हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है सबसे, लेकिन डेफिनेटली मार्केट की ही स्टार कास्ट होगी। आज अपना शाहिद माल्या जी आए हुए हैं, जो हमारा गाना जो है गा रहे हैं, और गाने की रिकॉर्डिंग के साथ हम ये फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। और रेकी कुछ हो चुकी है, जैसे बम्बई का जो हिस्सा है, क्योंकि इसको मैं कुछ पोर्शन बॉम्बे में और कुछ पोर्शन जो है कोल्हापुर वगैरह जाके शूट करने वाला हूँ, तो बॉम्बे की रेकी हमारी हो चुकी है, कोल्हापुर का अभी जाना बाकी है। ये हमारे एडिटर साहब हैं। पॉलिटिकल वुल्फ मतलब राजनीति की कहानी है। अब हम एक्चुअली कुछ सर्कमस्टांसेस है इसके बीच में हम बताना नहीं चाहते, रिवील नहीं करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि फिल्म में आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी रिवील कर देंगे तो सस्पेंस ख़त्म हो जाता है, फिल्म की कहानी का मोड बताना, इसके लिए नहीं बता पाएंगे इसको। मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ इस फिल्म का, मेरा नाम सुबोध भगत है, और इनके साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, और मुझे इन्होंने बुलाया और मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करके दूंगा, बट अभी एक बार शुरू हो, रेकी करे, ये सब करे, फिर जैसा एक ग्रेंजर होता है राजनीति के ऊपर वैसा करेंगे। जी नहीं, ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित फिल्म नहीं है, सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। किसी को सुना सुनी? नहीं नहीं, हमने किसी को जो है टारगेट नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्लान से कब तक लोग देख पाएंगे? उम्मीद है कि नवंबर तक हम इसको रिलीज कर पाएँ, और बाकी तो डिपेंड करता है एक्टर्स की डेट के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि मैं मार्केट के बड़े स्टार्स के साथ प्लान कर रहा हूँ, तो कुछ उनकी डेट्स भी मुझे देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं अभी रिलीज डेट के बारे में कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, और अब उन 4 गानों के कौन सिंगर होंगे वो गाने के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राजन खरे साहब, बहुत बढ़िया गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया है, आप लोग भी जब सुनेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस गाने को बनाने में। आप हमारे लेखक और निर्माता हैं नाजिम भाई, और आप हैं हरेश भाई जो सह निर्माता हैं इस फिल्म के। हेलो जी, मैं क्या कहेंगे बताया था फिल्म के बारे में, रिवील नहीं कर रहे, पॉलिटिकल है कह रहे हैं, आपको बताएंगे कुछ तारीख होगा? कहानी की रिवील तो नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, क्योंकि ये पॉलिटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और हमने किसी को टारगेट तो नहीं किया है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज हम लोग पहुँचाना चाहते हैं ऑडियंस को, ताकि, और ऐसे ही नहीं कि ऑडियंस सिर्फ पॉलिटिकल सब्जेक्ट को ही चेक करती है, उनको एंटरटेन भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो एंटरटेन के हिसाब से भी इस फिल्म को किया गया है, ताकि यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन ये सबको उनको अच्छा सा अच्छा देख पाए मूवी। एंटरटेनिंग मूवी है, काफ़ी अच्छी बनाई है इसको, और ऑडियंस के तौर पर बनाई गई इस फिल्म को, और अच्छा इसका राइटिंग हो गया है। ये फिल्म का आपने देखा होगा, ये टाइटल जो है फिल्म का, ये टाइटल ही अपने आप में एक सब्जेक्ट बताता है कि पॉलिटिकल वुल्फ। तो पॉलिटिकल वुल्फ मतलब हमने किसी को पर्सनलाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको कोई मतलब कोई भी पार्टी अपनी तरफ से पर्सनल चीज़ें लेती है, हमने एक मैसेज के साथ में एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिशियंस को जब आप इंडिविजुअली जब आप वोट देते हो, तो आपके वोट की अहमियत कितनी है, आपके वोट की कीमत क्या है, ये चीज़ें हमने इसके अंदर समझाई भी है और दिखाई भी है। क्योंकि ये जो आपका एक जो वोट होता है, वो वोट आपके देश के भविष्य को डिसाइड करता है, और देश का भविष्य मतलब क्या हो गया, हमारा भविष्य, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य।
तो हम जब अपना भविष्य या अपना फ्यूचर जब हम लोग तय करते हैं तो उस फ्यूचर के अंदर हमें अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर वोट दे रहे हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और यदि अगर हम उस वोट दे रहे हैं तो वो क्या वाकई में उस वोट के लायक है क्या। तो हमने इन चीज़ों को ज़्यादा दर्शाया क्योंकि हमने मैसेज से भी ज़्यादा क्या है कि अवेयरनेस, क्योंकि आज सब लोगों को मालूम है कौन सी चीज़ें क्या होती है कैसे होती है, लेकिन एक अवेयरनेस जो होती है वो हमने इसके अंदर ली है। प्लस साथ में एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी है थोड़ा सा, है ना, तो ये मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट मूवी विद मैसेज एंड अवेयरनेस। शिव को तो मैं बहुत 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 सालों से जानता हूँ और मेरी तरफ से शिव को इस फिल्म के लिए और इस फिल्म को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस फिल्म में एक किरदार कर रहा हूँ, एक अहम किरदार है जो शिवदत्त जी ने मेरे लिए फाइनल किया है, और शिवदत्त जी के साथ मैं करीब 21 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए। जब मेरा कैरियर शुरू हुआ था तो फर्स्ट टाइम मुझे इन्हीं ने कैमरा फेस करवाया था, और आज भगवान की कृपा है जिस तरह ऊपर बढ़ा हूँ आज फिर इनका साथ है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये राजनीतिक गतिविधियों के बारे में ये फिल्म है, तो इसमें ये किसी व्यक्ति विशेष को फोकस नहीं कर रहे हैं किसी पर या किसी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, ये जो ये राजनीतिक गतिविधियां हैं जिससे प्लस या माइनस होते हैं उन्हीं के बारे में ये फिल्म है। सर आपको सेट क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? चेहरे से तो नेगेटिव ही लगता हूँ बट इसमें पॉजिटिव है। देव चक्रवर्ती जी बहुत ही फेमस डायरेक्टर, कई फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं। मैं इनका मित्र हूँ, सबसे बड़ा परिचय ये है, और इनका इनकी फिल्म का टाइटल पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो बहुत बर्निंग इशू है आज के डेट की, और आज जो न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह जो चीज़ें चल रही हैं उसका एक लगता है कुछ लबो लबाव है उसका कुछ कंटेंट में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इनको बधाई के लिए बधाई देने के लिए आया मैं। दोनों मेरे दोस्त हैं, कुमार जी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने साथ में हमारे काम किया है और हम लोग कई साल से एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर ऑलरेडी ये लोग, और मैं इनको बेस्ट विशेस देता हूँ। जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ सीरियस में, पहली बार फिल्म में काम करूँगा, ये पटना जी भी है मेरी। बाकी सर शिवदत्त जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है, और इनके सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ है और फिल्में भी करने जा रहा हूँ, और मेरी शुभकामनाएं हैं सर के साथ में, फिल्म अच्छी बने और खूब चले। शिवदत्त जी के साथ में मैंने पहले भी काम किया हुआ है, और ये है कि इनके साथ काम करना लाइक सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगता कि काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर का माहौल है, मिस्टेक्स को वो संभाल लेते हैं, समझते हैं, ये सब गुड ह्यूमर। पहले मैं शिव शर्मा सर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत, हमारे प्रोड्यूसर सर नाजिम सर और हरीश सर को भी बधाई देता हूँ कि पॉलिटिकल वुल्फ का उन्होंने आज मुहूर्त किया है और सॉन्ग रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया है जिनमें शाहिद माल्या जी इस गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब मैंने इस मूवी की कहानी सुनी तो बहुत अच्छा लगा, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज ये मूवी देती है। संदीप कृष्णा भाई ने मुझे शिवदत्त सर से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो संदीप भाई को भी मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। हाँ डेफिनेटली मुझे मुहूर्त में बुलाया शिव सर ने, तो मैं भी एक मूवी कर रहा हूँ, और मैं कौन सा कैरेक्टर्स पे प्ले कर रहा हूँ कौन सा रोल है उसके लिए अभी सर ने बोला थोड़ा सस्पेंस है संदेश, नेक्स्ट जब प्रेस मीट रखेंगे तब डेफिनेटली हम अनाउंस करेंगे अच्छे से। संदेश मेरे से जब मिले तो मैंने इनका काम देखा, मराठी फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं, मुझे इनका काम अच्छा लगा, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा करेक्टर संदेश का डेफिनेटली होगा। पॉजिटिव पहले जब शिव सर ने मुझे कॉल किया कि एक फिल्म आ रही है पॉलिटिकल उल्फ करके वो करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे स्टोरी के लिए बुलाया कि ये स्टोरी है सुनो, तो मैंने बैठ करके पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जैसे एज एन एक्टर था मेरा कहना कि सर ये
स्क्रिप्ट मैंने फर्स्ट टाइम जैसे देखता हूँ तो अलग अलग स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, कहीं चेंजेज होते हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है। स्क्रिप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब जैसे कि अभी बॉलीवुड में फिल्में चल रही हैं उससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक जो अच्छे राइटर होते हैं तो उस अच्छे राइटर की प्रतिभा यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात, इस फिल्म के जरिए जो लोगों को ये एक मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो राजनीति इस देश में चल रही है और जो भाईचारा है वो सारा कुछ इसमें है इंक्लूडेड। बाकी बात तो जो शिव सर हैं वही जानते हैं। बहुत ही अच्छा गाना है, हर गाना अच्छा होता है, लेकिन इस गाने में भी कुछ खास बात है क्योंकि एक हिंदी उर्दू का मिलन है इस गाने में। बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत रोमांटिक नंबर है जिसे पिया मतवारे तोरे कारे कारे नैनों ने जादू किया। तो राजन खेरा जी कंपोज़र हैं इस गाने के और बहुत ही खूबसूरत कंपोज किया है, थोड़ा रागदारी में है और इनके साथ पहला गाना है मेरा, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इनके साथ काम किया है। और बाकी पूरी टीम को मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। और क्या बोलूँ जी, डॉक्टर साहब तो आप बताइए सर, कुछ आप बोलिए, हम तो बोल चुके जो बोलना था हम लोगों ने। तो देखिए, शाहिद जी को कौन नहीं जानता, और ये जो गाना था, ये गाना इतना टफ गाना था कि मेरे दिमाग में और राजन के दिमाग में एक ही नाम था कि इस गाने को अगर हम गवा सकते हैं तो शाहिद जी से गवा सकते हैं, और इसीलिए आप यहाँ हैं और आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर गाना गाया है। आप लोग भी जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि गाना कितना अच्छा है। राजन की मेहनत और शाहिद भाई की आवाज़ दोनों ने गाने में चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। अभी तो चार गाने हैं और होपफुली जैसा आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चारों गाने ही करेंगे साथ में। हाँ नहीं, हम दो तीन चार म्यूजिक डायरेक्टर को काम अकेले करने के काबिल हैं और ऐसे ऐसे काबिल लोग हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि टीम में ट्रस्ट को जीतना, और मुझे लगता है कि मेरी जो सपोर्टिंग सारी टीम है, टेक्नीशियन टीम है, और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो शाहिद भाई हैं, चाहे वो मेरे अरेंजर हैं, और इन्होंने जो सबने ट्रस्ट दिखाया टीम ने, तो मुझे लगता है कि बाकी भी मैं ही करूँगा। अभी तो दूसरा गाना एक आइटम नंबर है और बाकी दो गानों के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं लिरिक्स के ऊपर, तो जैसे जैसे होता जाएगा क्लियर।